एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को वायरल करते हुए कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या केरल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तानी झंडे लहराए गए? सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वीडियो में किसी सड़क से एक रैली निकलती दिख रही है, जिसमें लोग हरे रंग के झंडे लहरा रहे हैं। झंडों पर सफेद चांद तारे का प्रिंट बना है। गाजे बाजे के साथ निकाली जा रही इस रैली में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी का एक कटआउट भी देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, केरल में एक घंटे कांग्रेस का प्रचार, केवल पाकिस्तानी झंडे। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स कांग्रेस के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पे ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि केरल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियो इसी दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ क्या है ये जानना जरूरी हो गया था। ऐसे में हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारी नजर झंडे पे गई। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान के झंडे में चांद तारे का आकार काफी बड़ा और बीच में होता है। इसके अलावा इसमें एक सफेद पट्टी भी होती है, लेकिन वायरल वीडियो में दिख रहे झंडों में सिर्फ चांद तारे का प्रिंट है। ऐसे में हमें वायरल दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पे कसा। आइए देखते हैं क्या है पहला सवाल। पहला सवाल ये निकलता है कि वायरल वीडियो के पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है, और दूसरा सवाल यह है कि कहीं पुराने वीडियो को हाल फिलहाल का बता के कोई सियासी खेल तो नहीं खेला जा रहा। आइए जानते हैं हमारी जांच पड़ताल रिपोर्ट में क्या आया। इन सवालों का जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने अपनी तहकीकात शुरू की। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान के झंडे में चांद तारे का आकार काफी बड़ा और बीच में होता है। इसके अलावा इसमें एक सफेद पट्टी भी होती है, लेकिन वायरल वीडियो में दिख रहे झंडों में सिर्फ चांद तारे का प्रिंट है। सर्च के दौरान ये भी सामने आया कि वायरल वीडियो में दिख रहा झंडा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है। केरल के IUML कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है। ऐसे में हमने खबर को और पुख्ता करने के लिए फिर से इंटरनेट को खंगाला। सर्च के दौरान पता चला कि इस वीडियो को कुछ यूजर्स ने शेयर करते हुए लिखा है कि ये रैली केरल के त्रिशूर से कांग्रेस उम्मीदवार के मुरलीधरन की है। वर्तमान में मुरलीधरन वटकारा से कांग्रेस के सांसद है। इस क्लू की मदद से हमने मलयालम भाषा में कीवर्ड सर्च किया। हमें 19 अप्रैल 2019 का एक फेसबुक पोस्ट मिला जिसमें वायरल वीडियो मौजूद है। यहाँ वीडियो के साथ कैप्शन में मुरलीधरन और वटकारा में हुई इस रैली का जिक्र है। गौरतलब है कि जब ये पोस्ट शेयर किया गया था उस समय देश में लोकसभा चुनाव 2019 चल रहे थे। मुरलीधरन वटकारा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सर्च के दौरान हमें मुरलीधरन की फेसबुक प्रोफाइल पर 13 अप्रैल 2019 का एक पोस्ट मिला। इस पोस्ट में कई तस्वीरें हैं जिनमें मुरलीधरन रैली में लोगों के साथ फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं। तस्वीरों में वायरल वीडियो वाले IUML के झंडे भी नजर आ रहे हैं। एक फोटो में मुरलीधरन हरे रंग की माला पहने हैं, जैसा कि वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है। इस फोटो में उनके पास कुछ लोग दिख रहे हैं जो वायरल वीडियो में भी हैं। जाहिर है वायरल वीडियो भी इसी रैली का है, क्योंकि केरल में कांग्रेस और IUML साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए रैली में पार्टी के झंडे और समर्थक दिख रहे हैं। वायरल वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। अर्जुन डियोडिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
सोशल मीडिया पे अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ते हुए एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो में तीन लड़के किसी मंदिर का बड़ा सा भव्य दरवाजा धक्का मार कर खोल रहे हैं। दरवाजा खुलते ही एक विशाल मूर्ति दिखती है। कुछ यूजर्स का दावा है कि ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का है, लेकिन जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तीन लड़के किसी मंदिर का बड़ा सा दरवाजा धक्का मारकर खोल रहे हैं। दरवाजा खुलते ही एक विशाल मूर्ति दिखती है। कुछ यूजर्स के मुताबिक ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का है। राम मंदिर का दरवाजा खुलते हुए कर लो श्री राम जी का दर्शन, कितना प्यारा है भाई, जय श्री राम लिख के जाना सभी भाई। फेसबुक पर इस वीडियो को राम मंदिर अयोध्या के हैशटैग के साथ शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि राम मंदिर का दरवाजा खुलते हुए। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पे ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का बताकर वायरल हो रहा है। दावे का सच और झूठ क्या है ये जानना जरूरी हो गया था, क्योंकि वीडियो को देखने से अयोध्या के राम मंदिर का ये लग नहीं रहा था। तो वायरल वीडियो में दरवाजा खुलता है और अंदर एक बड़ी सी मूर्ति नजर आती है। ये मूर्ति अयोध्या के राम मंदिर की नहीं है, साथ ही अयोध्या के राम मंदिर को इस तरह से नहीं खोला जाता जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पे कसा। पहला सवाल ये निकला कि वायरल वीडियो कब और कहां का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और जगह के मंदिर के वीडियो को अयोध्या से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। राम मंदिर का दरवाजा खुलते हुए कर लो श्री राम जी का दर्शन, कितना प्यारा है भाई, जय श्री राम लिख के जाना सभी भाई। वीडियो के की फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें 8 सितंबर 2019 का एक फेसबुक पोस्ट मिला। पोस्ट में वायरल वीडियो वाले मंदिर के दरवाजे से मिलती जुलती एक तस्वीर मौजूद है। इसके कैप्शन के मुताबिक ये पेनुगोंडा में स्थित वसावी सुवर्ण ऋषि गोत्र मंदिर का महाद्वार है। पेनुगोंडा आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में स्थित एक इलाका है। इस फेसबुक अकाउंट पर हमें इसी मंदिर का एक अन्य वीडियो मिला। इसमें दिख रहा दरवाजा और भगवान की मूर्ति वायरल वीडियो से पूरी तरह मेल खा रही है। इसके बाद हमने इस मंदिर के बारे में थोड़ी और खोजबीन की। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार 15 फरवरी 2019 को पश्चिम गोदावरी जिले के पेनुगोंडा इलाके में स्थित इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था। इसमें 90 फीट लंबी वसावी देवी की मूर्ति लगी है जो 65,000 किलो मिश्र धातु से बनी है। इसके बाद हमने गूगल मैप्स पर मौजूद इस मंदिर की तस्वीरें देखी। वायरल वीडियो से इसकी तुलना करने पर साफ हो जाता है कि ये वीडियो इसी मंदिर का है। सच्चाई के तह तक पहुंचने के लिए गुड न्यूज टीम की फैक्ट चेक टीम ने अखिल भारतीय श्री वसावी पेनुगोंडा ट्रस्ट के अध्यक्ष PN गोविंद राजुलू से संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो श्री वसावी ऋषि गोत्र सुवर्ण मंदिर का है जो पेनुगोंडा में मौजूद है। कई भक्तों ने चंदा इकट्ठा करके ये मंदिर बनवाया था और इसका उद्घाटन फरवरी 2019 में हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मंदिर में लगी 90 फीट लंबी मूर्ति वसावी कन्या परमेश्वरी देवी की है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित एक मंदिर का है। संजना सक्सेना के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।